100 से 97 कितना कम है? 3 कम है। और 100 से 92 कितना कम है? 8 कम है, 8। तो पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए वही जैसे करते थे, 8 3 24, 8 3 24, 24 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में 92 से 3 को माइनस कर दीजिए। अब 92 को चाहे 3 से माइनस कर दें तो भी 89 आएगा, और चाहे 97 में से 8 माइनस कर दें तो भी 89 ही आएगा। What is Vedic mathematics calculation techniques? How can we do fast calculation using it? Vedic, the term itself explains the content of the theory, where Vedic mathematics is the solution for mathemophobia, mathematical anxiety. The term Vedic mathematics is given by Sri Bharti Krishna Tirth Ji Maharaj when he rediscovered the ancient calculation system from Vedas. It has a technique of calculation on a set of 16 sutras and their upsutras, which helps to solve mathematical problems mentally. Sir, will you please teach us some of the techniques of Vedic mathematics? Sure, why not? So class today we will learn some multiplication technique from Vedic maths. मान लीजिए कि आपको 106 और 109 को multiply करना, ट्रेडिशनल वे से नहीं अलग वे से। तो इसमें देखिए ये 106 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, और 109 कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको कि 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, 9 6 54, ठीक है, मीन्स 54। अच्छा अब क्या करना है कि अब चाहे 106 जो ये है उसमें आप ये क्रॉस करके 9 ऐड कर दें, या 109 के अंदर 6 ऐड कर दें, कितना आएगा, 115, यानी 115। इसको लिख दीजिए, अब क्या हो गया, 115 एंड इधर 54, तो ये हो जाएगा 115 54, ठीक है, यानी कि 11,554। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन, इतना आसान है। तो इस तरह से आप 100 के आसपास के कोई भी नंबर, जैसे 100 से जो भी ज़्यादा हैं, जैसे 112 115 120 जो भी है, 106 107, उनको आपस में किसी भी उसके 100 के आसपास के नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो आप इसी मेथड से बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब ले लीजिए 107 एंड मल्टीप्लाइड बाई 112, यानी 107 को मल्टीप्लाई करिए 112 से। अब देखिए ये कितना ज़्यादा है, 107 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, और 112 कितना ज़्यादा है 100 से, 12 ज़्यादा है, तो 12 7 84 हो गया, ठीक है। उसके बाद में 112 में 7 जोड़िए, कितना आएगा, 112 7 119, या 107 में 12 जोड़िए, 107 में 12 जोड़ेंगे तब भी 119 आएगा, तो कितना हो गया, 11984, यानी 11,984, 11,984। इसी तरह से आप और नंबर्स को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 100 से नीचे के नंबर को, जो 100 से कम के नंबर हैं उनको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए 97 एंड 92। 97 को आप मल्टीप्लाई करना है आपको 92 से। अब देखिए 100 से 97 कितना कम है, 3 कम है, और 100 से 92 कितना कम है, 8 कम है, 8। तो पहले तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए वही जैसे करते थे, 8 3 24, 8 3 24, 24 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद में 92 से 3 को माइनस कर दीजिए। अब 92 को चाहे 3 से माइनस कर दें तो भी 89 आएगा, और चाहे 97 में से 8 माइनस कर दें तो भी 89 ही आएगा। तो अब ये 9,24, 8,924। 100 से ज़्यादा में प्लस और कम में माइनस करना होता है, ठीक है। तो आप अब 100 से नीचे के कोई भी नंबर, 92 मल्टीप्लाइड बाई 97, 93 मल्टीप्लाइड बाई 98, 90
3 मल्टीप्लाइड बाई 92, 95 मल्टीप्लाइड बाई 97, कोई भी नंबर ऐसे कर सकते हैं, 89 मल्टीप्लाइड बाई 84, तो ये ऐसे कोई भी नंबर इस मेथड से आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक नंबर और ट्राई करते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 100 से ज़्यादा की, जैसे 112 और 113। इसमें थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है, देखते हैं इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए कि 100 जो है उसके में दो जीरोज़ हैं, ठीक है, और 112 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, 113 कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। अब अगर हम 12 और 13 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आएगा 156, ठीक है। अब ये तीन डिजिट हो गए, 156 आ गया। तीन डिजिट हो जाए अगर ऐसा, तो हम क्या करते हैं, हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं वो एक नंबर। हम ये ध्यान रखेंगे कि 100 में दो जीरोस हैं तो हम सिर्फ दो डिजिट रखेंगे और तीसरा डिजिट जो है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे आगे, यानी 1 को कैरी फॉरवर्ड कर, यानी 1 को हासिल लेकर आगे ऐड करेंगे। अब आप 112 में अगर 13 ऐड करेंगे तो 125 आएगा, या 113 में 12 ऐड करेंगे तो भी 125 आएगा, तो 125 में एक ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 126। 125 के अंदर एक आप ऐड कर दीजिए यहाँ से हटा के, तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा 126 56, ठीक है, 12656। तो इस तरह से बड़ी आसानी से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ। तो ये थे वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स, कि हम आसानी से किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 के आसपास के नंबर्स को। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे से कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच सर, दीज आर अमेजिंग टेक्निक्स, वी हैव लर्नड अ लॉट टुडे, नाउ वी विल प्रैक्टिस एट होम। थैंक यू।